दोस्तों, वाइट वॉश है यहाँ पर और हम आ चुके हैं और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं कुछ खेलूंगा नहीं, सिर्फ मैं ट्रिपल एलिक्सर टूर्नामेंट जो कि चल रहा है क्लैश रॉयल में, उसी के लिए मैं 5 डेक्स मतलब शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला डेक मेरे को लग रहा है सबसे बेस्ट डेक है ट्रिपल एलिक्सर टूर्नामेंट के लिए। मैंने ये डेक देखा है, बहुत लोगों को खेलते देखा है ग्लोबल टूर्नामेंट में। बहुत मतलब बहुत एनोइंग डेक है आप अगर इस डेक के अगेंस्ट खेल रहे हो। स्पॉनर हैं, फर्नेस, गॉबलिन हॉट है और ग्रेवयार्ड पॉइजन, तो मतलब बहुत डेडली कॉम्बो है। और टोर्नेडो है इस डेक में और मैजिक आर्चर जो कि बहुत एनोइंग कार्ड है, और जैपिस भी काफ़ी अच्छा है मेटा में। और जायंट स्केलेटन टोर्नेडो सब ग्राउंड पुश को आराम से रोक सकते हैं, मतलब आराम से जायंट स्केलेटन फटेगा। टोर्नेडो कर लो जायंट स्केलेटन की तरफ, सब डेक सब कार्ड्स मतलब क्या बोले सब कार्ड्स एकदम पूरा गायब हो जाएंगे जायंट स्केलेटन के बॉम्ब से। तो दूसरा डेक गॉबलिन बैरल है, स्केलेटन आर्मी, नाइट बहुत बढ़िया मतलब मिनी टैंक है नाइट, और स्केलेटन बैरल और डार्ट गॉबलिन, और डार्ट गॉबलिन प्रिंसेस है, पॉइजन है क्योंकि ग्रेवयार्ड बहुत है मेटा में, तो इस डेक में पॉइजन रखे हैं और इन्फर्नो टावर रखे हैं क्योंकि इन्फर्नो टावर टैंक किलर्स को आराम से किल कर देता है। सबसे बेस्ट टैंक किलर है इन्फर्नो टावर। और ट्रिपल एलिक्सर है तो लावा, गोलेम ये सब आने के चांसेस बहुत है, तो ये डेक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा ग्लोबल टूर्नामेंट में, मेरे को तो पक्का यकीन है। और प्रिंसेस और डार्ट गोब्लिन बहुत अनोइंग है, तो ये डेक मतलब काम करेगा ही करेगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। और ये डेक मैंने टाइटन को खेलते हुए देखा है, टाइटन बहुत बढ़िया लैडर प्लेयर है एक, उसने बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा देर तक उसने डोमिनेट किया था ग्लोबल टूर्नामेंट को टाइटन ने, तो मतलब ये भी बहुत अच्छा डेक है, जिसको खेलना आता है वो खेल सकते हैं ये डेक, या फिर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा सीसी में ये डेक और फिर आप ट्रिपल एलिक्सर में खेल सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा डेक, और डेक अपने क्लान मेट्स के साथ भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो और फोर्थ डेक में बताना चाहूँगा स्प्लैश यार्ड, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। अगर लावा के अगेंस्ट आप नहीं खेल रहे हैं तो स्प्लैश यार्ड बहुत अच्छा काम करेगा, ये तो मतलब गारंटी है। तो और फिफ्थ डेक में बोलूँगा कोई भी आप लावा हाउंड अच्छा डेक ले लो, मे बी आप लावा हाउंड कुछ अलग वर्सन भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैंने ये वाला वर्सन एक देखा था जो कि मतलब बहुत ही कंसिस्टेंट था और बहुत सारे डेक को इसी वर्सन ने हराया था। तो आप मे बी बारबेरियंस खेल सकते हैं बॉम टावर के रिप्लेस में, और मे बी आप जैप खेल सकते हैं फायरबॉल या एरोज के रिप्लेस में। तो यही थी मेरे 5 टॉप 5 डेक्स फॉर ट्रिपल एलिक्सर टूर्नामेंट। चलिए नहीं तो एक वीडियो को अच्छा बनाने के लिए मैं ये डेक एक बार खेल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे खेल लेते हैं एक बार, देखते हैं इसके अगेंस्ट हम गिरे हैं। ये ट्रिपल एलिक्सर है तो मतलब हम आराम से रनिंग जा सकते हैं, मे बी हम मिरर मैच के अगेंस्ट हैं, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, मिरर मैच तो नहीं होगा, मैजिक आर्चर यहाँ पे अच्छा वैल्यू देगा, यहाँ पे नेरो कर लेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, थोड़ा ब्लॉक करना पड़ेगा, हाँ हो गया बहुत अच्छा। यहाँ पे फर्नेस लगा देते हैं, यहाँ पे तो जायंट स्केलेटन का बॉम्ब अच्छा है मतलब, यहाँ पे नेरो कर लेते हैं थोड़ा मैजिक आर्चर को और थोड़ा वैल्यू देते हुए, यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैजिक आर्चर निकाल लेगा बॉम्बर के साइड, नहीं निकाल पाया ये, यहाँ पे मैजिक आर्चर करते हैं
यहाँ पे हमको चाहिए गॉब्लिन हट। यहाँ पे ग्रेवियर्ड जा सकते हैं मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर काउंटर्स नहीं थे। यहाँ पे पोइजन कर देते हैं, यहाँ पे और एक स्पॉनर लगा देते हैं हॉग रेडर के लिए। आया एग्जीक्यूशन, यहाँ टोमेटो कर लेते हैं हॉग रेडर को। थोड़ा और ऊपर लगाना था मेरे को, पर चलेगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और एक स्पॉनर लगा देते हैं इसे ही, और यहाँ पे मैजिक अर्ल्स, और यहाँ पे ग्रेवेड कर देते हैं। यहाँ पे पोइजन, अच्छा पोइजन वैल्यू मिल जाएगा, कर लेते हैं। और यहाँ से हॉग आ रहा है, ओ नो, थोड़ा चोक हो गया, और कोई बात नहीं। जपीज एक हिट तो ले लेंगे, यहाँ पे डांस के लिए सेम लेन डालना पड़ेगा। मैजिक अल्चर ये वाला वैल्यू ले सकता है। थोड़ा और ऊपर खेलते हैं हम गॉब्लिन हट को। यहाँ पर मिनट का हिट का चांसेस नहीं है कुछ भी, यहाँ पर सिर्फ हमको डिफेंस करना है और हम तो जीत जाएंगे। हम पोइजन कर लेंगे, यहाँ पर हॉग राइडर तो टच नहीं कर पाएगा, नामुमकिन है। यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक करते हैं जायंट स्केलेटन से, और ग्रेजर नहीं करने से भी हम वैसे ही जीत जाते हैं। देखना दोस्तों, बहुत ही सिंपल और फ्री टू प्ले डेक है, आराम से जीत सकते हो। बहुत सारे गड़बड़ी की मैंने मानता हूँ, लेकिन आप आराम से जीत सकते हो इस डेक से। मेरे ख्याल से ये वाला सबसे बढ़िया डेक है, और अगर आप ये नहीं खेलना चाहते तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट डेक रहेगा अगर आप पहला डेक नहीं खेलना चाहते हो। तो गाइस, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों, या फिर कुछ ऐसे सोशल साइट्स में जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर फेसबुक ग्रुप, या फिर किसी अच्छे डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो मेरा लिंक, अगर हो सके तो। तो प्लीज़ गाइस फॉलो करना नहीं, मतलब सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़ गाइस। थैंक यू गाइस।